हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नई लेक्चर वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टू की पॉइंट्स। द फर्स्ट की पॉइंट इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर एंड द सेकंड की पॉइंट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सो वी आर स्टार्टिंग अवर लेक्चर वीडियो फ्रॉम द की पॉइंट वन। दैट की पॉइंट वन इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग अवर लेक्चर वीडियो। हमने यहाँ पर सबसे पहले कंसीडर किया कि यदि हमारे पास कोई एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस कैपिटल एल है और किसी भी टाइम टी पर इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। जब इसके अंदर आई करंट फ्लो करेगा, मीन्स ये इंडक्टर जिस सर्किट के अंदर है उसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा होगा, और ये आई करंट जब इस इंडक्टर के अंदर आएगा तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि इस आई करंट का अपोजिशन हो रहा होगा। इसका मतलब ये इंडक्टर एक बैटरी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस, जहाँ पर इंड्यूस्ड करंट फॉर्मल करंट का, जो पहले का करंट था, उसका अपोजिशन कर रहा होगा। ओके, अब यहाँ से यदि हम उस सर्किट के अंदर उतना ही करंट फ्लो कराना चाहते हैं जितना कि टाइम टी पर था, क्यों भाई? अब तो कम हो गया ना, क्योंकि इस इंड्यूस्ड करंट ने इसके इफेक्ट को कम कर दिया। मान लो यहाँ पर 5 एम्पियर है, इसने प्रोड्यूस किया 2 एम्पियर, तो ओवरऑल अब सर्किट के अंदर कितना बचा? 5 माइनस 2 दैट इज 3 एम्पियर बचेगा। ओके, तो क्या है कि यदि हमें सर्किट के अंदर जितना टाइम टी पर करंट फ्लो कर रहा था उतना ही अमाउंट चाहिए, तो हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, मीन्स एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करेगी? इसके इफेक्ट को नेग्लिजिबल कर देगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट के इफेक्ट को नेग्लिजिबल कर देगी, और वो एनर्जी जाकर के स्टोर हो जाएगी किसके अंदर? इस इंडक्टर के अंदर। किस फॉर्म में होगी? दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। क्यों होगी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के फॉर्म में? क्योंकि यहाँ पर ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके वेरिएशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया था? इस करंट ने, जब इस इंडक्टर के अंदर आया था। तो मतलब वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इस इंडक्टर के अंदर स्टोर हो जाएगी। ओके, लेकिन वो जो वर्क हो रहा है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो सबसे पहले हम किसी भी एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज स्मॉल टाइम डी टी के लिए कैलकुलेट करेंगे, और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे के पूरे टाइम के लिए कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ से निकाला स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट इज डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू यहाँ से क्या होता है? पावर इंटू डी टी। पावर का फॉर्मूला वी इंटू वाई। वी क्या है यहाँ पर? ई। और ई का फॉर्मूला क्या है? माइनस एल डी आई ओवर डी टी। लेकिन यहाँ पर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल रहे हैं वो किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ क्या होगा? माइनस ई आई इंटू डी टी। ओके, यहाँ से ई का फॉर्मूला रखोगे दैट माइनस एल डी आई ओवर डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया एल डी आई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, यहाँ बचा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट इज एल आई डी आई। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करोगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे? देखो, डी आई है मतलब अकॉर्डिंग टू करंट इंटीग्रेट करोगे। शुरुआत में देखो करंट, मान लो हमें आई करना है, आई भाई कम होता चला गया, कम होता चला गया, मान लो जीरो हो गया इसके इफेक्ट की वजह से। तो अब उस जीरो से वापस कहाँ तक पहुँचना है? मैक्सिमम अमाउंट तक पहुँचना है। कितना था मैक्सिमम अमाउंट इसमें एट टाइम टी? आई था। ओके, आई था इसके अंदर। तो यहाँ का मतलब क्या है कि इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम जीरो से लेकर के आई तक, तो यहाँ हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, मीन्स डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू एल इज कॉन्स्टेंट, सो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। आई का इंटीग्रेशन होगा आई स्क्वेयर डिवाइड बाई टू, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं? फ्रॉम जीरो से लेकर के आई तक है। ओके, तो यहाँ हो गया
L इज इक्वल टू, सॉरी W इज इक्वल टू L by 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट मीन्स I स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ से कैलकुलेट होकर के आया द वर्क डन दैट इज इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो वर्क आया है, दिस वर्क विल बी स्टोर एज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन दिस इंडक्टर। तो हमें यहाँ से आसानी से समझ में आ गया कि इंडक्टर के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो सकती है, दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर। ओके, दैट आई इज दैट मैक्सिमम करंट जो कि उस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा था। अब यहाँ से हम सेकंड की पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, द एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। अब जैसे कि हमारे पास कोई एक कैपेसिटर है किसी भी एक सर्किट के अंदर लाइक दिस। अब यहाँ से किसी भी टाइम टी पर हमने कंसिडर किया आई करंट फ्लो कर रहा है। अब जब इसके अंदर आई करंट फ्लो करेगा, कैपेसिटर के पास आई करंट आएगा, तो क्या होगा, ये वाली प्लेट चार्ज होने लगेगी। मान लो ये वाली प्लेट प्लस चार्ज होने लगी, प्लस चार्ज ही होगी क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ इस प्लेट पर प्लस चार्ज आएगा। अब यहाँ से जो चार्ज होगा वो इस प्लेट से इस प्लेट पर आएगा, मीन्स क्या होगा, यहाँ पर कुछ वर्क हो रहा है। किसका वर्क हो रहा है, चार्ज के डिस्प्लेसमेंट का वर्क हो रहा है। भाई चार्ज को डिस्प्लेस कराना है फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट पर, तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। अब जब यहाँ से चार्ज इस पॉइंट पर आ जाएगा, इसका मतलब देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, देखिए ये इस तरीके से कनेक्ट होगा। अब यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस, यहाँ गया तो इस प्लेट पर प्लस चार्ज, यहाँ गया तो इस प्लेट पर माइनस चार्ज हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, ये प्लस ये माइनस, तो इन दिस डायरेक्शन देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर जो ये चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इट मीन्स यहाँ से चार्ज डिस्प्लेस होकर सेकेंड प्लेट पर गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस प्लेट से उस प्लेट पर चार्ज को डिस्प्लेस कराने के लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। दैट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इन दिस कैपेसिटर। क्योंकि भाई यदि करंट को तुम यहाँ से इस पॉइंट बी पर लाओगे, यदि ये पॉइंट ए है, तो तभी तो करंट आ पाएगा जब वन प्लेट से सेकंड प्लेट पर चार्ज डिस्प्लेस हो। अब जब सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट पर चार्ज डिस्प्लेस होगा ही नहीं, तो करंट किस तरीके से फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर। क्लियर हो गई बात। तो दिस इज द प्रोसीजर, ये प्रोसीजर है कैपेसिटर को चार्ज स्टोर कराने का। और जब चार्ज स्टोर हो जाएगा तो इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमने माना कि इसका जो कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर का वो सी है, और इसके अंदर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो चुका है। तो इसका मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया तो पोटेंशियल भी क्रिएट हो गया। अब जब पोटेंशियल क्रिएट हो गया तो उस पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं Q इज इक्वल टू सी वी, तो V क्या हो जाएगा, दैट इज Q बाई सी, दैट इज द पोटेंशियल विच इज डेवलप्ड अक्रॉस दीज टू प्लेट्स। ओके, अब यहाँ से हमें वो वर्क डन कैलकुलेट करना है। पहले हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, मान लेंगे कि फर्स्ट प्लेट से डी क्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्प्लेस हुआ टू द सेकेंड प्लेट, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ से स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा, दैट इज डी डब्ल्यू, तो यहाँ से डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाई हमें पता है दैट इज वी डी क्यू, तो वी की वैल्यू यहाँ से कितनी है, दैट इज क्यू बाई सी डी क्यू। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे दैट इज डी डब्ल्यू। अब यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, देखो डी क्यू है तो इसका मतलब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, भाई जीरो, मान लो कि कुछ भी अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्प्लेस नहीं हुआ तो मतलब जीरो, मीन्स लोअर लिमिट जीरो। अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्प्लेस हो गया, इट मीन्स दैट इज द क्यू, तो यहाँ पर क्या हो गया, अपर लिमिट, दैट इज क्यू। तो इसका मतलब यहाँ से डब्ल्यू का भी डी डब्ल्यू का भी इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ से कैलकुलेट होकर के आया दैट इज डब्ल्यू, दैट इज मीन्स वर्क। यहाँ से c कांस्टेंट है, दैट इज 1 बाई सी, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू डी क्यू, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू q। ओके, तो यहाँ से हो गया w इज इक्वल टू 1 बाई सी, और q का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू q ये हो जाएगा
क्यू स्क्वायर बाई टू लिमिट्स आर फ्रॉम जीरो से क्यू। ओके, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो वर्क डन कैलकुलेट होकर के आएगा भाई 1 बाई सी कॉन्स्टेंट है, 2 भी कॉन्स्टेंट है, मैं बाहर ले लेता हूँ तो ये हो गया 1 बाई टू सी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से क्यू स्क्वायर माइनस जीरो। तो यहाँ से कितना हो गया वर्क इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज़ यूज इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू सेकेंड प्लेट, और वो स्टोर हो जाएगा इस कैपेसिटर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ओके, तो हमने यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की कि किस तरीके से एक्सप्रेशन को कैलकुलेट किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि किसी भी इंडक्टर के अंदर या फिर किसी भी एक कैपेसिटर के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो सकती है। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा, और जब हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे तो उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि LC ऑसिलेशंस का क्या मतलब होता है। उस LC ऑसिलेशंस के कंसेप्ट को समझने के लिए इस कंसेप्ट का यूज होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर LC ऑसिलेशंस के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम L टू C, C टू L, मींस ऑसिलेट होती रहेगी एनर्जी, और हमें पता है कि एनर्जी L के अंदर हाफ एल आई स्क्वायर और कैपेसिटेंस के अंदर हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाई टू सी होगा। देखो, इसको हाफ सी वी स्क्वायर वैसे तो चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ ही चुके हो, लेकिन इसको सी वी स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखो, क्यू का मतलब क्या होता है सी वी, तो क्यू की जगह पर सी वी लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू सी, सी से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आया यहाँ से हाफ सी वी स्क्वायर, दैट इज़ दी एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर। ओके, तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम मैंने बता ही दिया है LC ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल योर फैमिली। ओके, थैंक यू वेरी मच।